वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज आप लोगों को जो है मेगा कंपनी जो है कैंपस प्लेसमेंट, तो मेगा कैंपस प्लेसमेंट आपके बारे में बताने वाला हूँ। मतलब एक से ज्यादा कंपनी आने वाली है और एक से ज्यादा कंपनी में आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं एक साथ। तो एक साथ जैसे ज्यादा कंपनी में कर नहीं सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन जरूर पा सकते हैं। आप लोगों को यहाँ जाना है होगा तो आप लोग जो भी कंपनी है सब सिलेक्शन पा सकते हैं, जिसमें अच्छा लगे, जिसमें सैलरी अच्छा लगे, जहाँ लोकेशन अच्छा लगे वहाँ आप लोग विजिट करके कंपनी में ज्वाइनिंग लेना है। तो चलिए मैं सबसे पहले स्थान आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भाई जो है उड़ीसा का स्थान है, यहाँ पे प्लेसमेंट होने वाला है। तो चलिए मैं पहले 7 अगस्त को ये प्लेसमेंट होने वाला है, 7 अगस्त मंडे को ये प्लेसमेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ, जो भी कंपनी, चार कंपनी है, चारों कंपनी का मैं नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहले मारुति सुजुकी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड, आप लोगों को पता होगा मारुति सुजुकी के बारे में, कौन नहीं जानता है जो जॉब चाहता है प्राइवेट में, वो मारुति सुजुकी के बारे में कौन नहीं जानता है। तो मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड ये भी आने वाली कंपनी है, जो कि गुड़गांव का प्लांट, मारुति सुजुकी गुड़गांव का प्लांट, और जो है सुजुकी मोटर जो कि गुजरात का प्लांट, और ये जो ऑटो कार्ट ये बेंगलोर का प्लांट, ऑटो कार्ट भाई, ऑटो कार्ट कंपनी जो है ये बेंगलोर का प्लांट है, ये भी कंपनी आने वाली है। और दूसरा तीसरा चौथा भाई, चौथा कंपनी है जेंटाई वर्कफोर्स, जो कि भुवनेश्वर का ही कंपनी है, भुवनेश्वर का कंपनी। ये चारों कंपनी जो एक साथ प्लेसमेंट लगाने वाली है। अब जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको सैलरी अच्छा लगे वहाँ आप लोग भी, वहाँ पे सैलरी भी बता दिया जाएगा। इस कंपनी में बेंगलोर जाते हैं यहाँ सैलरी इतना रहेगा, गुड़गांव का इतना रहेगा, भुवनेश्वर का इतना रहेगा, उसके बाद गुजरात का इतना रहेगा। तो आप जहाँ भी चाहते हैं एक साथ जो है आपको पहले ही बता दिए, एक साथ चार कंपनी में सिलेक्शन होगा, लेकिन जिसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए कहाँ पे विजिट करना है आप लोगों, उड़ीसा में जो कहाँ विजिट करना है ये बता रहा हूँ। पहले तो आप लोग ये 7 अगस्त 2023 याद कर लीजिएगा, 7 अगस्त को ये कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है, जो कि दिन पड़ता है मंडे। और जो वेन्यू आप लोगों को मैं लोकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि गोपा बंधु ITI कॉलेज, आप सर्च मारते हैं तो आ जाएगा गोपा बंधु, मतलब इंडिया सेंटर ITI कॉलेज, ये जो है संदरधा। अगर आप लोग जो भाई गोपा गोपा बंधु ITI कॉलेज सर्च मारते हैं तो आप लोगों को लोकेशन पर आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को पहुंचना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गंजम, डिस्ट्रिक्ट गंजम गोपा बंधु ITI कॉलेज। और ये जो है लोकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो सैलरी इसमें अच्छा खासा बनने वाला है, जो भी कंपनी में सिलेक्शन होगा 17,000 से 20,000, 17,000 से 29,000, सॉरी दोस्त, 17,000 से 29,000 के बीच में आप लोगों को सैलरी बनने वाला है। जिसका भी सिलेक्शन होगा 17,000 से 29,000 के बीच में सिलेक्शन बनने वाला है, और ये सिलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये नहीं कि कहीं पे रुपया आप लोगों को मांगा जाएगा, इंटरव्यू हो या कंपनी के पास जाइएगा तो कहीं पे आप लोगों को कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री सिलेक्शन होगा। आप लोगों को कैंटीन का भी उसमें सुविधा मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पर सब कुछ बता दिया जाएगा, कैंटीन का सुविधा, इंश्योरेंस के बारे में, बस के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए और जो आप लोगों को मैं बता दूं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो भी कंपनी है, डॉक्यूमेंट आप लोगों को 4 से 5 जो है मायने रहता है। कहीं पे आप लोग जो कंपनी गेट विजिट करते हैं या प्लेसमेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को 4 से 5 डॉक्यूमेंट मायने रहता है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना है। सबसे पहले आधार कार्ड जो ओरिजिनल लेके ले लेना है, फोटो कॉपी जीरोक्स भी ले लेना है। आधार कार्ड भाई ओरिजिनल और जीरोक्स ये तो चाहिए ही, और उसके बाद पैन कार्ड है तो चलेगा, लेकिन पैन कार्ड ले ही लीजिएगा। आधार कार्ड पैन कार्ड ये दोनों आप लोगों को कंपनी लेके विजिट करना ही है। उसके बाद भाई अगर मैट्रिक पास है, ये वैकेंसी वैसे ITI के लिए है, तो उसे मैट्रिक का भी आप लोग मार्कशीट ले लीजिएगा, ओरिजिनल भी, जीरोक्स भी। तो ITI का भी मार्कशीट और जीरोक्स, ओरिजिनल भी और जीरोक्स भी। तो कितना, 4 डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक मार्कशीट और ITI का मार्कशीट। और वैसे भाई बैंक पासबुक है तो आप लोगों को पता ही होगा, कहीं पे कंपनी के थ्रू आप लोगों को बैंक पासबुक खुल जाएगा। अगर है तो आप लोग घर से ही पासबुक लेके चलिएगा, और फोटो 2 से 4 फोटो आप लोगों को लेके चलना है। ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट आप लोगों को कोई भी कंपनी अगर विजिट करते हैं, कोई भी कंपनी जाते हैं तो आप लोगों को लेके जाना है। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और मिलता है इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।